फिर से स्वागत है आपका आरजे प्रोडक्शन में, मैं आपका होस्ट रज्जत। जैसे कि मैंने बोला था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी टूरिज्म प्लेसेस होंगे, हम आपको वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे आप वहाँ पे जा सकते हो और कैसे वो दिखते हैं। आज हम ऐसी ही जगह पे आपको लेके आए हैं बाबा दनसर, जो कि कटरा से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ से नीचे लिंक रोड में आके आपको 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये बिल्कुल आपको मैं बता दूँ, ये शिव गुफा है। पूरा आपको दिखाऊँगा कि कैसे यहाँ पर दिखती है और कैसे कैसे आपको यहाँ पर आना है। बने रहिए इस ब्लॉक में। जय बाबा दनसर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते हैं। आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग। ये जो मेन रोड है, यहाँ से नीचे लिंक रोड जाता है। यहाँ देख लीजिए, इस तरफ से आपको जाना है। यहाँ पे बोर्ड भी मिलेगा आपको, ये टूरिज़्म विभाग की तरफ से लगाया गया है बोर्ड। यहाँ पर ये स्टेशन है बस स्टेशन, जितना भी यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी यहाँ पर आप स्टैंड बना सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं, कोई भी आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये ट्रैक देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। ये होगा कोई 200 या 300 मीटर का ट्रैक होगा पूरा का पूरा। इसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे हरियाली देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि अभी बरसात का मौसम था जब हम गए थे। नीचे देख लीजिए, काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। देख लीजिए, जब मैं जा रहा था तो कितने सारे लोग आ रहे थे ऊपर की साइड, जब हम नीचे गए तब भी बहुत। यहाँ पर नीचे नहाने का एक स्थान है, बाबा दनसर शिव गुफा की तरफ, इस तरफ से रास्ता जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, श्री बाबा दनसर ट्रस्ट कारू आपका स्वागत करता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का काम देखता है वो ट्रस्ट देखता है। यहाँ पे देख लीजिए, ट्रस्ट के मेंबर्स के नाम, श्यामलाल जो हैं ये ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ट्रस्टी हैं जितने भी। यहाँ पे देख लीजिए, बाबूराम, गरदारी लाल, विजय कुमार, पवन कुमार, मुल्कराज, सुभाष चंद्र, ये सारे के सारे ट्रस्टी हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरे ट्रस्ट के नंबर्स, रास्ता इस तरफ से जाता है। यहाँ पे बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देख लीजिए, गाइडलाइंस जो हैं यहाँ के, यहाँ पे गंदगी गुटखा खिलाफ फैला के अगर आप कुछ भी करते हो तो 500 रुपये जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा ट्रस्ट के द्वारा। ये बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। सही भी, अगर आप इतना यहाँ पर सब कुछ कर रहे हो तो अगर आप यहाँ की सफाई का नहीं रखी जाती तो आप कर सकते हैं। मैं तो इसको बिल्कुल जायज मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए। मैं आपको अंदर लेके चलूँगा अब। ये देखिए, यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, नहा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, यहाँ देखिए अंदर की तरफ रास्ता जाता है। एक यहाँ से भी जाता है, एक यहाँ से भी जाता है। रश काफ़ी था, देख लीजिए यहाँ पे। कितना अच्छा मौसम था यहाँ पे, यहाँ पे देखिए सुंदर नज़ारा बाबा दनसर जी का। आप भी आइए, देखिए यहाँ पे। अभी मैं ऊपर भी लेके चलूँगा आपको। यहाँ पे बाबा दनसर जी का कृपा दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। ट्रस्ट द्वारा अच्छी ट्रस्ट के मेंबर्स के नाम भी यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया आई थिंक। ये देख लीजिए पूरे, अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो इनसे आप कंसर्न कर सकते हैं। ट्रस्ट ब्लॉक, एक और गाइडलाइन, क्योंकि
आइए आपको पहले हम शिव गुफा के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद हम आपको बाबा धनसर जी के दर्शन करवाएंगे। यहाँ ये ट्रैक जाता है बिल्कुल अंदर की तरफ, गुफा की तरफ जो जा रहा था। यहाँ देखिए आगे लोग भी थे। अभी आप दर्शन कर लीजिए, ये शिव गुफा है जो बाबा धनसर जी के बिल्कुल बगल में है, मंदिर के पास में है। जय शिव भोलेनाथ। देख लीजिए अंदर की पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। दर्शन कर लीजिए शिव गुफा के, बाबा धनसर में है जो शिव गुफा। दर्शन करवाते हैं बाबा धनसर जी के। ये बाबा धनसर जी का मंदिर है गुफा के पास ही है बिल्कुल। ये भी यहाँ के पंडित जी से भी पूछते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। बड़ी पिंडी देखो, ये बाबा धनसर और इनके कन्ने छोटी पिंडी है माता काली जी। जी, ये सारा परिवार है बाबा धनसर का। ये शेषनाग जी में रहते हैं और बाहर आके इनके रूम में ये दर्शन देते हैं नेचुरल। जी, उस मंदिर की खास बात है यहाँ पे कोई भी मनोकामना करनी हो वो पूरी होती है। इन्होंने 12 साल तपस्या की है भोले बाबा की, देखो सामने ऊपर गुफा प्रकट हुई है नेचुरल। वासु भी नाम पता होगा वो जो शिव जी के गले में है। उनके 22 बेटे हैं, 84 पोते हैं, 22 बेटों में से एक बाबा धनसर जी। उनका सारा का सारा परिवार शेषनाग है, सारा का सारा जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पे भी आपको इनका कोई रिलेटिव दिखेगा वहाँ भी आपको ऐसा पानी जरूर दिखेगा, क्योंकि नाग देवता होते हैं वो पानी में रहते हैं शेषनाग। ये इस गांव के कुल देवता है कारवा गाँव। इनका हमको वरदान है कि जो निचला एकादशी होती है उसके दूसरे दिन यहाँ पे मेला होता है बहुत बड़ा, क्योंकि मंडी सारी यहाँ पे लाई जाती है। तो ऐसी मूर्ति एक बना के इस गांव में जो भी किसी के घर पे भी बड़ा बेटा होगा अच्छा, तो उसकी ये मूर्तियाँ बना यहाँ पे चढ़ाई जाती है लगा के दूसरे। अच्छा, इसके ऊपर एक बकरे की बलि लगती है। ठीक है, तो उसका खून का टीका लगाया जाता है इसको। ठीक है, ये इनकी दर्शन। ठीक है, धन्यवाद। जय बाबा धनसर। करें यहाँ के डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट, एक यहाँ का लोकल ट्रस्ट है उसके द्वारा यहाँ पे पूरी जो ये शेड बनाए गए हैं बैठने के लिए, बाथरूम बनाए गए हैं नीचे। आप यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है। अब मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए नीचे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे, नीचे भी दिखाऊंगा मैं आपको पूरे ब्लॉक में, बने रहिए हमारे साथ। Thank you.